भाई देख, मैं कंसेप्ट तो सही से समझ लेता हूँ, लेकिन ये क्वेश्चंस को देख के दिमाग घूम जाता है। हाँ यार, इन चैप्टर्स को देख के लगता है कि साइंस में 95+ लाना बहुत मुश्किल है। लेकिन गाइस अब नहीं, क्योंकि आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हाँ गाइस, इस वीडियो में हम जानने वाले साइंस की कंप्लीट स्ट्रेटजी। और यार ये कोई ऐसी वैसी स्ट्रेटजी नहीं कि ये पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है, नोट्स बना लो, ना 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 ना। ये मेरी खुद की यूज की गई स्ट्रेटजी है, जिनकी हेल्प से मैंने साइंस बोर्ड एग्जाम में 100 स्कोर किया है। और यार मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप इन सब बातों को ध्यान से फॉलो करते हो तो आप भी अपने आप को कहीं ना कहीं 98 से 100 मार्क्स ला तो देख रहे होगे साइंस में। तो ये वीडियो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है, आई होप आपको ये तो पता चल ही गया होगा। तो यार चलो फिर देरी किस बात की, जानते हैं हर एक वो पॉइंट जो हेल्प करेगा आपको साइंस में बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए। तो देखो सबसे पहले जानते हैं बेस्ट मेथड टू स्टडी साइंस। अब देखो गाइस, हम अपने अगर सिलेबस को देखो तो इसमें कुल मिला के हमारे 13 चैप्टर हैं, जिसमें अपने को एक एक चैप्टर को बिल्कुल ऐसा मजबूत करना है जिससे एग्जाम में एक छोटी सी गलती ना हो। तो यार करना चाहते हो ना ऐसे खतरनाक तैयारी, तो देखो इसमें तुम्हारे केमिस्ट्री के गाइस 4 चैप्टर आने हैं जो कि 25 मार्क्स का आएंगे, ठीक है। और फिजिक्स का हम देखें तो उसमें भी हमारे 4 चैप्टर आएंगे जो कि 25 मार्क्स का आने। और वहीं हम देखें बायोलॉजी के, तो गाइस आपके 5 चैप्टर आ रहे हैं जिसमें जो कि हमारे 30 मार्क्स के हैं, ठीक है। अब देखो इसमें कुल मिला के हम देखें तो ऑलमोस्ट सभी चैप्टर हमारे इक्वल वेटेज है। इसका मतलब क्या कि हम किसी भी चैप्टर को हल्के में नहीं ले सकते। अब देखो गाइस, जब हम बात कर रहे हैं एक एक चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से समझने की, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा वो बेस्ट रिसोर्स है जिन्हें यूज करने से हम बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो देखो जब भी आप पहली बार के चैप्टर को पढ़ो ना, तो आप पहले उसका एक वीडियो लेक्चर देख लो। अब यार देखो इसमें कंजूसी मत दिखाना, एक अच्छे ड्यूरेशन का वीडियो देख लो जिसमें सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए हो, ठीक है। तो उसे देखो, देन उसके बाद गाइस आप अपनी एनसीईआरटी रीडिंग करो, ठीक है। और एनसीईआरटी को रीड करने के बाद उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। एंड आई गेस आप में से काफी सारे बच्चे ऐसा करते भी होंगे। लेकिन यार मेरी एक बात याद रखो कि जब भी हम किसी चैप्टर को पहली बार पढ़ते हैं ना, हमें 100% उसका पूरा कंसेप्ट समझ में नहीं आता। तो इसके लिए क्या करना है गाइस, हाँ हो सकता है कि तुमने कभी एग्जाम के टाइम पे जो है वीडियो देख ली क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुम एग्जाम दे आए। लेकिन गाइस ये एक शॉर्ट तरीका है, ये कभी भी आपको 95+ नहीं दिलवा सकता, ठीक है। तो क्या करना है अपने को गाइस, अपने को करना है रिवाइज, कैसे कंटिन्यूसली रिवाइज करना है। और इसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि आप एक रेफरेंस बुक यूज कर लो। अब देखो इसमें कन्फ्यूजन मत रखना कि कौन सा पब्लिशर की यूज करें, आप पे जो भी है आप उसे यूज कर लो, क्योंकि तो मुझे पता है कि आपने अपने लिए बेस्ट ही चुनी होगी, ठीक है। तो आप उसे यूज करो, कैसे कि आपने उसका पूरा कंसेप्ट समझ लिया। लेकिन जब आप रिवाइज करो ना, तो इस बार गाइस कोशिश करना कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो बस ये प्रोसीजर आपको याद रखना है क्या कि अगर हम पहली बार में चैप्टर पढ़ रहे हैं तो अपने को पहले एक वीडियो लेक्चर देखना है, एनसीईआरटी रीडिंग करनी है और जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। देन फिर करना है हमें कुछ टाइम बाद उसे रिवाइज करने के लिए रेफरेंस बुक का यूज ले लो, या आप उस समय एक वन शॉट लेक्चर देख सकते हो सिर्फ कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए, ठीक है। और देन गाइस उसके बाद जैसा उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। अब देखो तुम पूछोगे भाई इस सब में कि हम नोट्स कब बनाए, कैसे बनाए। तो गाइस देखो मैं आपसे कहूंगा कि देखो आपने सुना होगा कि जब आप वीडियो लेक्चर देखो, एनसीईआरटी देखो, आप उस नोट्स बना लो। लेकिन मैं आपको एडवाइस देता हूँ, आप जब भी किसी चैप्टर को पहली बार पढ़ो ना, उसके नोट्स मत बनाओ। हाँ यार मत बनाओ, क्यों? क्योंकि देखो इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब आप किसी चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हो ना, तो शायद आप उसके बहुत प्रिसाइज और अच्छे नोट्स ना बना पाओ, ठीक है। तो भाई कब बनाए नोट्स, तो देखो जब आप किसी चैप्टर को रिवाइज करोगे, हाँ जब आपने देखो पहली बार पढ़ लिया, उसके बाद जब आप सेकेंड या थर्ड टाइम उसे रिवाइज करोगे, तब आपको उसके नोट्स बनाने हैं। क्योंकि जब जो नोट्स बन के आएंगे ना, वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज और अच्छे होंगे। और वैसे भी अपने को नीट का भी नोट्स की एग्जाम से थोड़ी पहले, तो गाइस उस समय अपने पे जितने प्रिसाइज और जितने अच्छे से नोट्स हम पे होंगे, उतना अपने लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो नोट्स का कन्फ्यूजन खत्म करना है, ठीक है। तो पहली बार में यार कोशिश करो कि नोट्स ना बना के आप जो है उसे रिवाइज करो, तब बनाना, ठीक है। तो चलो भाई अब करते हैं थोड़ी मास्टर प्लानिंग की, भाई कैसे हमें अपने पूरे सिलेबस को फिनिश करना है, कैसा अगर आज हम 60-75 तक अटकते हैं तो 95+ तक पहुंचना है, और कैसे जो है गाइस हमें किस समय क्या पढ़ना है, मतलब PYQ सैंपल पेपर्स, ठीक है। तो देखो आपको जो है अपना हर जो चैप्टर है गाइस उसे पक्का करते चलना है, क्योंकि देखो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें शायद आपको डे वन से एग्जाम से एक दिन पहले तक डर लगे, लेकिन यार जब तुम अपना एग्जाम दे के आओगे ना, तब तुम्हें असली सुकून मिलेगा, जब मतलब तुम्हें कॉन्फिडेंट आएगा अच्छे मार्क्स का। लेकिन उसके लिए तुम्हें हर दिन हार्ड वर्क करना होगा, क्योंकि देखो साइंस और मैथ्स ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट है गाइस जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की नीड है, ठीक है। तो देखो आप जो अपना सिलेबस जो है गाइस उसे प्री बोर्ड से पहले फिनिश कर लेना,
और क्योंकि देखो प्री बोर्ड्स के बाद मतलब दिसंबर जनवरी के टाइम तो अपने को जो है ज्यादा सैंपल पेपर ही प्रैक्टिस करने हैं। और देखो ये जो हाफ एंडलीस होंगे प्री बोर्ड्स होंगे इनसे तुम्हें अपनी पोजीशन भी पता चल जाएगी, मतलब तुम्हें पता चल जाएगा तुम किस हालत में हो। लेकिन मेरी एक बात याद रखना उस समय के लिए, क्या कि हालत जो भी हो लेकिन लड़ना और पढ़ना मत छोड़ना। हाँ यार मतलब तुम्हें हर टॉपिक कितना ही हार्ड टॉपिक हो लेकिन तुम्हें उसे समझना है, हर चैलेंज को फेस करते हुए गाइस अपना बेस्ट देना है, ठीक है। और बढ़ने से मतलब कि यार तुम कितनी अच्छा तुमने स्कोर कर लिया हो हाफ एंडली प्री बोर्ड्स में, लेकिन अपनी मेहनत में बिल्कुल कमी मत आने देना क्योंकि अपना अल्टीमेट टारगेट बोर्ड एग्जाम्स है, ठीक है। और यार अगर कम भी आ गए ना तो एक बात याद रखना कि असली गेम यहीं से पलटता है। लेकिन ये गेम कैसे पलटता है, मतलब 1995+98 गाइस कैसे लाए जाते हैं, मतलब क्या वो टॉपर टिप्स हैं जो आपको जाननी चाहिए जो कि हर टॉपर का एक सक्सेस मंत्र है, चलो वो जानते हैं। नंबर वन, हाई माइंडसेट। हाँ यार सारा खेल यहाँ का है। अरे आज एक बच्चे 95+ स्कोर कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि उसने वही ठान रखा है कि मुझे पूरी जान लगानी है, मुझे पूरे 100 वाली तैयारी करनी है और एग्जामिनर से जितने मार्क्स मैं खींच सकता हूँ खींचूंगा। तो यार अगर ये वाला एटीट्यूड, ये वाला हाई माइंडसेट तुमने डेवलप कर लिया अपने अंदर तो ये कोई मतलब कुछ भी बड़ा टारगेट नहीं है 95+, ठीक है। एंड देन गाइस डिटेल स्टडी एंड कंसेप्ट क्लैरिटी। अरे पढ़ने पड़ेंगे हर चैप्टर बार बार तभी तो होगी मार्क्स की बुछार। हाँ यार ये कंसेप्ट क्लैरिटी ही आपको जिताएगी क्योंकि देखो और आपका हर कंसेप्ट क्लियर होगा ना फिर चाहे कितने हार्ड क्वेश्चन आ जाए आप समझ पाएगा, ठीक है। और देन गाइस मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस। अब देखो ये बातें सुनने में बहुत आसान लग रही हैं लेकिन गाइस इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि आप अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, असेसन रीजन, केस बेस्ड क्वेश्चन, इवन जो इनफैक्ट जो आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में मतलब जो एनसीईआरटी उसमें जो एक्टिविटीज दे रखी है गाइस आपको उन्हें भी प्रैक्टिस करना है। वैसे इस पर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम साइंस की सभी जो एक्टिविटीज से वो पूरी करेंगे, ठीक है, तो उसे देखना। और गाइस मतलब आपको सभी टाइप के PYQ सैंपल पेपर तो यार मतलब ऐसा है कि आप घर से बाहर निकलो ना सैंपल पेपर लेके निकलना, ठीक है। मतलब ये सब आपको गाइस अलग अलग टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए चलना है, ठीक है। और देन गाइस इसके बाद सेल्फ टेस्टिंग की आपको खुद का टेस्ट लेना है जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर पाओ, ठीक है। एंड लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन टू वर्ड इंटरनल असेसमेंट ऑल्सो। हाँ यार देखो 80 मार्क्स प्योरली तुम्हारे हाथ में है लेकिन ये 20 मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अपने सभी नोट्स बुक और काउ जो असाइनमेंट है उन्हें कंप्लीट करते चलना क्योंकि एक एक मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बस यार इन सभी बातों का ध्यान रखो और टेंशन लो मत, कन्फ्यूजन बिल्कुल रखना मत, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे जो हाफ ईयर रिवॉर्ड्स के मार्क्स हैं वो तुम्हें बता देंगे कि तुम्हें किस हिसाब से अपने अंदर जो है इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है। तो यार देखो कहते हैं कि अगर नहीं खाओगे ठोकरे सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे, अगर नहीं टकराओगे गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे। तो बस यार जब भी तुम्हें लगे कि मार्क्स कम है तो खुद को इम्प्रूव करना और रुकना मत जब तक आप अपने टारगेट तक नहीं पहुँच जाओ। तो गाइस यही है पूरी स्ट्रेटेजी और जो मेंटेलिटी तुम्हें चाहिए 95+ के लिए। तो गाइस आई होप कि आप सिर्फ इन बातों को सुनोगे नहीं बल्कि पूरे फोकस के साथ फॉलो भी करोगे, ठीक है। तो यार चलो ऐसे स्टडी कंटेंट एंड गाइडेंस के लिए सब्सक्राइब कर लेना, मैं हर साल मिलूंगा आपसे अगली ऐसी सुपर डुपर अमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक बने रहो अपने प्यारे वाले स्टडी के साथ।